तो गाइस आज 21 नवंबर है और आज हम यहाँ से पोखरा से जा रहे हैं एक जगह पे जो है कुष्मा ग्यादी। वहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है जो एक्चुअली कहा जाता है कि नेपाल का सबसे मतलब कि हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा हाइट में भी है और सबसे ज़्यादा लंबा भी है वो ब्रिज। तो उसको देखने जा रहे हैं अभी और हम इस बस से जा रहे हैं अभी। तो पोखरा से मतलब कि एक बस स्टॉप जाना होता है आपको, वहाँ पे कुछ लेक साइड से 3-4 किलोमीटर है। मैं आपको बस स्टॉप का नाम बता देता हूँ आपको। हाँ, बगलोंग बस स्टेशन है जो जहाँ से आपको बस मिलती है। वैसे आपको बेनी के लिए बस चलती है वहाँ से और वहाँ से आप जोमसोम भी जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लेकिन जो है कुष्मा ग्यादी। तो कुष्मा ग्यादी जो है वहाँ से बगलोंग बस स्टॉप से कुछ 57 किलोमीटर है और 57 किलोमीटर के लिए टाइम कुछ लग जाएगा आपका, 3 घंटे के आसपास लग जाता है क्योंकि हम कुछ 8 बजे या 8:15 बजे बैठे थे और अभी 10:15 हो रहे हैं, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी कुछ 20-25 किलोमीटर बाकी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट 1 आवर में पहुंच जाएंगे। तो ये है बस जो एक लोकल बस है, इसमें लिखा हुआ है पोखरा, फिर बगलुंग, बेनी, नारायणगढ़, हटोड़ा एंड बीरगंज। और वैसे आज का पूरा प्लान जो है तो उसमें शायद कुष्मा ग्यादी उसमें ही चला जाएगा पूरा का पूरा दिन, क्योंकि अभी पहुंचेंगे वहाँ पे कुछ 11 बज जाएंगे। फिर 11 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पे 1-2 घंटा घूमेंगे पुल के ऊपर जो भी कुछ देखेंगे और फिर वहाँ से निकलने के लिए कुछ बस पकड़ेंगे अराउंड 2 बजे तक। तो हम पहुंचेंगे 4 या 5-6 बज जाएंगे पोखरा में। तो आज का पूरा दिन वैसे ही चला जाएगा। और बाकी अभी मैं बता दूँ, यहाँ से जो हमारा किराया था वो बगलुंग बस स्टेशन से हम जो जा रहे हैं अभी कुष्मा ग्यादी का जो फेयर है वो कुछ नेपाली रुपीज़ 165 पर पर्सन। तो मान के चलिए 100 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 100 रुपीज़ बनता है पर पर्सन। तो ठीक है, अभी वहाँ से बेनी के लिए भी रास्ता है आगे। तो अभी अगर हम कल के बाद परसों अगर जाते हैं वहाँ पे मुक्तिनाथ के लिए तो हमें पहले जाना पड़ेगा बेनी, फिर बेनी से जोमसम जाएंगे और फिर जोमसम से जो है ट्रैक करके जाएंगे मुक्तिनाथ। तो ठीक है, अभी देखते हैं, अभी प्लानिंग थोड़ा सा करना है। हो सके तो हम अभी अगर मारदी हिमल ट्रैक जो है वो कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम जाएंगे मुक्तिनाथ। ये पूरे वर्ल्ड का जो है मतलब कि लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। तो अभी मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे और कैसा है, कितना बड़ा है, और उसके बाद जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर ऐसा है कि ये अगर नेपाल का होगा तो अगर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर वीडियोज़ में डाल दूँगा नीचे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि ये नेपाल का तो सबसे बड़ा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं जाके वहाँ पे कैसा है। तो ये है अपना बस, अभी बस यहाँ से थोड़े से कुछ 5-10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। वैसे हाँ, यहाँ पे जोमसम भी अगर आप जाते हैं मतलब कि मुक्तिनाथ जाते हैं तो आपको जो पासेस हैं वो परमिट्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो उसका हमें पता लगाना है कि कौन सा परमिट लगेगा और कितने का उसका है, तो पता करते हैं। ओके, तो अभी हम कुष्मा बाज़ार पहुंच चुके हैं। अभी ये है मार्केट, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब भी ऐसा नहीं है कि छोटा सा मार्केट हो, काफ़ी बड़ा मार्केट है। ये देखिए काफ़ी बसें हैं यहाँ पे और फ्रिक्वेंट बसेस चलते हैं यहाँ से, पोखरा के लिए हो गया, बेनी के लिए हो गया। तो ठीक है, अभी हम जाएंगे यहाँ से जो कुष्मा ग्यादी जो ब्रिज है उस पर जाएंगे, फिर वहाँ से देखते हैं और कुछ 1-1.5 घंटा वहाँ पर स्पेंड करने के बाद फिर वापस आएँगे यहाँ पे खाना खाएंगे फिर खाना खाने के बाद बस पकड़ के यहाँ से फिर पोखरा जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं देखता हूँ मैप में GPS में चेक करता हूँ कि कहाँ पे ये लोकेशन, और वैसे यहाँ से 1 किलोमीटर ही है तो पैदल चले जाएंगे। और ये है कुष्मा ग्यादी लोकेशन, ये है कुष्मा ग्यादी टाउन, छोटा सा, सब कुछ है यहाँ पे, फ्रूट स्टॉल्स हैं खाने पीने के लिए, सारा कुछ जैसे छोटे एक शहर में होना चाहिए ना, सारा कुछ है। मेडिसिन की दुकान भी है, मेडिसिन दुकान से हैं ग्रोसरीज, और ये बस टिकट्स के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे है, ये सामने है ना, ये है भगवती यातायात टिकट बुकिंग काउंटर, तो यहाँ से टिकट बुक करेंगे। तो ठीक है, अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे अभी ब्रिज के लिए रास्ता और फिर वापस आएंगे 1 घंटे में घूम के यहाँ से। ठीक है, चलते हैं।
क्योंकि तो मैं ये बता रहा था कि बस में हम बैठे थे कुछ 8:30 बजे बैठे थे, लेकिन बस जो मूव करी वहाँ से वो कुछ 9 बज चुके थे उस टाइम तक, और यहाँ पे जब हम उतरे तो हो रहे थे 12। तो 3 घंटे लग गए, 60 किलोमीटर के आसपास था, 57 किलोमीटर दिखा रहा था GPS में। तो ठीक है, एवरेज यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर होता है आप बस में जाएँ तो, ट्रैवल करेंगे तो। तो यहाँ से जो है बेनी है कुछ 1-2 घंटे का रास्ता है शायद, यहाँ से कुछ 20 या 30 किलोमीटर है यहाँ से। तो अगर आपको वहाँ से जोमसम जाना है तो बेनी से जोमसम है वो कुछ लग जाएगा 6 घंटे या 7 घंटे लग जाएंगे। तो अभी देखते हैं वहाँ से जाने के लिए कुछ परमिट वगैरह का कुछ करना होता है या कुछ, अगर हमें पोखरा में जाके पूछना पड़ेगा, वहाँ पे उनके काउंटर होते हैं, और अगर कोई परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो परसों हम निकलेंगे यहाँ के लिए, मतलब कि मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए, और उसके लिए शायद 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि पहले हमें फर्स्ट डे बेनी तक जाना होगा, फिर बेनी से अगले दिन हमें जाना पड़ेगा जोमसम, और फिर जोमसम से देखते हैं वहाँ से मुक्तिनाथ के लिए। तो ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, ये कुसमा गादी पुल और रास्ता यही है सामने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, कुसमा ब्रिज जो है ये सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लंबा है और इसका एक्चुअली लेंथ यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं चेक करता हूँ, ये कुछ है 1.4 ऐसा कुछ है, चलो मैं देख के बताता हूँ बाद में आप। तो ये है ब्रिज, तो ये सामने तो ब्रिज है आप देख ही रहे हैं, बट अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, अभी जैसे मैं ये ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच पहुँचूँगा ना सेंटर में, फिर वहाँ से दिखाऊँगा आपको कि ब्रिज जो है मतलब कि नदी कैसे दिखते हैं यहाँ से और कितने हाइट पे है। अभी तो हम जा रहे हैं सीधा, सामने ब्रिज है और अभी हाफ वे तक भी नहीं पहुँचे, अभी काफ़ी दूर जाना है, और ये पुल जो है हिल रहा है अभी थोड़ा सा, और यहाँ पर ये टूरिस्ट अभी आज के डेट में थोड़े से कम आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं मतलब जो नॉर्मल लोग यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे रेसिडेंट हैं, ये लोग इसका यूज़ करते हैं एक साइड से दूसरी साइड को जाने के लिए। और बट ये लोकेशन जो है इतना गजब का है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं सेंटर में पहुँच जाऊँ फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है दोनों साइड से। तो अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं अभी पुल में, कुछ सामने कुछ 5-6 लोग और मेरे पीछे कुछ 5-6 लोग। तो ठीक है, अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं मैं सेंटर में, और मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा। तो ये पुल बेसिकली ये जो नदी है इसके ऊपर है, और इस नदी का नाम है मोदी। ये देखिए उसका व्यू, सराउंडिंग व्यू, दोनों साइड से पहाड़ है पूरा, और इस साइड भी है, और नीचे ये नदी है। आप मेरे पीछे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दूर है, और अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी और कुछ 20 मीटर और है ख़त्म होने के लिए पुल। तो ये फाइनली हम एक साइड पहुंच गए, उसके ऑपोजिट साइड, यहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हम कुसमा के आधे पुल से निकल ही रहे थे, तो मैंने बाहर पूछा कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है और हाइट कितनी है, तो सारा कुछ उन्होंने बताया। तो कुछ हाइट जो था कुछ 300 नहीं, उसकी जो लंबाई है 334 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो भी कुछ 130 मीटर ही है। तो उन्होंने और एक चीज़ बताई कि अभी यहाँ पे आगे और एक भी पुल है, उन्होंने कहा, और उन्होंने बताया कि ये जो है ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कुछ 1/2 किलोमीटर है, तो अभी उसके लिए जा रहे हैं अभी। तो अभी देखते हैं ये वाला कितना बड़ा है, उन्होंने तो कहा कि ये जो पुल है ये उस वाले पुल से भी काफ़ी बड़ा है,
और हाइट में भी है, तो अभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा सबसे ज़्यादा हाइट में है। तो चलिए देखते हैं। अभी ये सामने है, यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा हुआ था कि एक यहाँ पे गांव है बड़ा गांव, और ये बड़ा गांव जाने के लिए पुल यहाँ पे, तो हो सकता है ये पुल जो है ये नया बना होगा। और आज पर जो इंटरनेट या गूगल जो कह सकते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग वो जो पुल था, कुसमा ग्यादि ब्रिज जो था, वो हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट था। बट अभी देखते हैं, अगर ये वाला उससे ज़्यादा हुआ तो फिर देखते हैं, अभी आगे जाके पता चलेगा। एक्चुअली दोनों अलग अलग नदी के ऊपर बने हुए हैं, तो ये वाला जो है ये और एक डायरेक्शन से आ रहा है, और अभी मैंने जो दिखाया था आपको कुसमा ग्यादि, वो और एक डायरेक्शन से है, और दोनों जो है ये यहाँ पे है, दोनों का ये जॉइंट है, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कोई, जैसे क्या कहते हैं, बेनी कहा जाता है, मतलब कि जहाँ पे जुड़े होते हैं दो रिवर, ये वो एरिया है। वो सामने से देखिए तो एक इधर से आ रही है नदी, तो उस नदी पे वो वाला पुल था, और ये वाला है दूसरे नदी पे है, तो ये उससे बड़ा भी है और लंबा भी है। तो ठीक है, चलते हैं अभी आगे। ये सामने और एक पुल भी है, तो है यहाँ पे आसपास में तीन चार पुल हैं, ये एक है और इसके पीछे उस साइड था जिसमें हम गए थे अभी, और ये वाला एक है। वैसे दो ब्रिज पे तो आ चुके हम, अभी सामने जो है ये वाला, ये थर्ड ब्रिज है, तो हम सोच रहे हैं अभी क्यों ना उसी ब्रिज पे भी चला जाए, क्योंकि अभी अगर आए हैं इतना दूर आए हैं तो ठीक है उस ब्रिज पे भी चले जाते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ से वापस जाते टाइम उस पर भी चलेंगे। तो इस वाले ब्रिज पे अभी ये देखिए कुछ बाइक्स भी लेके आ रहे हैं सामने, देखिए। वैसे अभी हिल रहा है और ये लोग बाइक भी लेके आ रहे हैं। वैसे बाइक्स अलाउड नहीं है शायद इस ब्रिज पे, बट लेके आ रहे हैं। तो थर्ड पुल जो है उसके लिए भी रास्ता पास में ही था, तो बस अभी जा रहे हैं। अभी इसके बाद मैं टाइम देख लेता हूँ क्या हो गया टाइम, कि टाइम हो रहा है 1:35, तो हम यहाँ से मैक्सिमम 2 बजे तक निकल लेंगे यहाँ से, और फिर जाके लंच भी करना है, और लंच करने के बाद फिर देखते हैं बस का पता करते हैं। वैसे हमने जब पता किया था तो उन्होंने कहा था कि बस यहाँ से रात को 10 बजे तक भी मिल जाएगी, बट रात के 10 बजे तक तो हम नहीं वेट करेंगे, हम उससे पहले निकलेंगे। तो ठीक है, अभी जितना जल्दी हो सके आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे, और जो कुसमा बाज़ार है, जो मेन मार्केट है, वहाँ तक जाएंगे, और फिर वहाँ से देखते हैं कुछ लंच करेंगे, उसके बाद फिर बस के लिए वेट करेंगे। तो ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड वाले पुल पर, यहाँ से रास्ता है, ये है इसके लिए रास्ता। वाओ, यहाँ से व्यू अच्छा है, ये देखिए। एकदम पहाड़ों के बीचों बीच ये सारे दो नदियाँ और कुछ गांव, और ये 4-5 पुल हैं यहाँ पे, तो अच्छा है। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा अभी तक तो,
बाकी अभी देखते हैं यहाँ से निकलेंगे फिर कब तक पहुँचते हैं वो पता नहीं, क्योंकि 2 बजे तक यहाँ से निकलेंगे तो फिर वहाँ से 3 घंटा तो लगेगा और बस का ही पता नहीं ना टाइमिंग की, बस कितने बजे निकलेगी क्या है। अगर 3 बजे तक बस में बैठ जाते हैं तो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे हम पोखरा। तो ठीक है, लेट्स सी। ये है टेम्पल, देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अभी हो गया, इस वाले पुल पे भी आ गए और यहाँ से भी व्यू देखा दिया मैंने आपको। और अभी यहाँ से हम निकलेंगे और जाके बस स्टॉप में वेट करेंगे, लंच करेंगे और फिर देखते हैं पोखरा में कितने बजे पहुँचते हैं।